गुड आफ्टरनून ऑल, विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट इन अवर प्रैक्टिकल सेशन। सो इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस हाउ टू सेट अप अ जेडीके एंड हाउ टू क्रिएट वेरी सैम्पल प्रोग्राम बाय यूजिंग एन जेडीके। इट विल मूव फर्दर एंड वी ट्राई टू do some hands-on programs based on the Java program. So in the last session, we have discussed this particular example.java class. So I am opening that class here. I am opening with, so you can open that class by using a notepad or WordPad, and this is your class file. It starts with the keyword class. Then you are having a name of the class, then you are having a starting braces and ending braces. Within the body of this class, this is a body of a class, you are having a main method, that is public static void. Then you are printing some message. Here you are printing the message. What we can do, we will use same structure and we try to modify the class so that we will understand some other concepts related to the Java. So we will copy this class code. Create one more file. Let's suppose you have created example class, so we will give a name as example1. Now instead of printing any blank message, we will try to see how to declare variables. So if you want to use some variables, you have to specify the data type of the variable. Let's suppose int, integer data type, and variable name is x. Let us suppose you want to declare two variables x and y. Can declare it a single way. After that, you can initialize the value of the variables. Now, important thing is that I am following here the indentation, and those who are doing their programming, every programmer has to follow the indentation. Okay, indentation hai apan C madhe pan baghitlo hoto. Indentation cha artha kay asto, apan braces start jithe karto tithe end karnyachi je paddhat hai ti apan follow keli. या ब्रेसेस ने आपल्याला समजलं पाहिजे की क्लास कुठे स्टार्ट झाले कुठे एंड झाले। या हमें ये ब्रेसेस से समझने आना चाहिए कि मेन मेथड कहाँ स्टार्ट हुई है और मेन मेथड कहाँ खत्म हो गई है। दैट इज नथिंग बट इंडेंटेशन एंड फॉलो द प्रॉपर इंडेंटेशन। यदि आप इंडेंटेशन फॉलो करते हो तो आपको एरर्स बहुत कम आएंगे, एटलीस्ट सिंटेटिक एरर्स तो नहीं आएंगे। सिमेंटिक आ सकते हैं लेकिन सिंटेटिक नहीं आएंगे, और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है, whether it is a C programming or Java programming or whether it is a Python, ठीक है? तो बाद में हम x and y की values को initialize कर रहे हैं यहाँ पर। Let us suppose x is equal to 12, y is equal to 21. I am taking some blank values, ठीक है? और बाद में हम ये दोनों की addition करेंगे, उसके लिए और एक variable चाहिए हमें, जो integer variable ही होगा, क्योंकि हम integer variables को add कर रहे हैं। और let us suppose वो variable है हमारा result. So int result equal to x plus y in this form. अब बहुत लोगों को ये हैरानी होगी, सर रिजल्ट को हमने डिक्लेयर कहाँ किया है? अब मैंने पहले ही सेशन में आपको बताया था कि जावा की खासियत ये है कि हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, रन टाइम डेफिनेशन दे सकते हैं और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है रन टाइम इनिशियलाइजेशन का। मैं यहाँ पर कमेंट दे रहा हूँ, दिस इज अ कमेंट, डबल स्लैश जो देते हैं वो कमेंट होती है, आपको पता है सी में भी इस तरीके से हम कमेंट देते थे। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, दो तरह के इनिशियलाइजेशन होते हैं वेरिएबल के लिए, एक होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है स्टैटिक टाइम इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक टाइम मतलब वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करो, बाद में उसको वैल्यू असाइन करो, और रन टाइम का मतलब ये है कि वेरिएबल को आप डिक्लेयर भी करो साथ साथ उसकी वैल्यू भी असाइन करो। मैं डिक्लेयर तो कर रहा हूँ, रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, ये तो डिक्लेरेशन हो गया वेरिएबल का। इसके साथ रिजल्ट की क्या वैल्यू होगी ये भी मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट की वैल्यू हमारी क्या होगी, रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स एंड वाई की जो भी एडिशन होगी इस केस में क्या आएगी, ये 33 आएगी, 33 शुड बी द रिजल्ट, 33 हमारी रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू। और बाद में हम इसे प्रिंट करेंगे, रिजल्ट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, मतलब आउटपुट दिखाएंगे। आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पहले प्रोग्राम में देखा है हमने, सी में हम प्रिंटएफ यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में हम सी आउट यूज करते हैं, वैसे हम जावा में आउटपुट दिखाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन यूज करते हैं।
और यहाँ पर एक मैसेज देंगे हम एडिशन, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स और एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये नंबर भी है ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। बाद में हम यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज करते हैं, ये बहुत लोगों को ऐसे लगेगा कि ये ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर है, ये एडिशन ऑपरेटर नहीं है, जावा में इसका एक और एक अलग मीनिंग है। यहाँ पर ऑपरेटर जो है ये एडिशन ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं प्रिंटलन स्टेटमेंट के अंदर मैसेज प्रिंट करते समय जब हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग पार्ट है, डबल कोटेशन में है ना, तो ये स्ट्रिंग है। उसके बाद हम ऑपरेटर यूज करते हैं, ये ऑपरेटर हमारा एडिशन ऑपरेटर नहीं है, इसे नया एक नाम दिया है जावा ने, उसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब ये है कि दो दो चीजों को जोड़ना, कॉन्केटिनेट करना, इकट्ठा करना, कॉन्केटिनेशन। और जनरली कॉन्केटिनेशन ये स्ट्रिंग के लिए किया जाता है, स्ट्रिंग वैल्यू में कॉन्केटिनेशन किया जाता है। तो हम कॉन्केटिनेशन किसका कर रहे हैं, हम कॉन्केटिनेशन ये जो मैसेज है हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर्स और हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है एडिशन की, यहाँ पर है रिजल्ट नाम की वेरिएबल में है, तो ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रिंग पार्ट है, लेकिन ये रिजल्ट जो है ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ये रिजल्ट कैसे है हमारा इंटीजर है। अब एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब बेसिकली कैरेक्टर है ना, तो एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, अलग अलग डेटा टाइप है, ये दोनों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। यदि दो इंटीजर होंगे तो हम उसे एक साथ रख सकते हैं, दो स्ट्रिंग वैल्यू रहेंगे तो एक साथ रख सकते हैं, दो कैरेक्टर रहेंगे तो एक साथ रख सकते हैं, लेकिन यदि हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, पहला पार्ट क्या है स्ट्रिंग है और दूसरा पार्ट है इंटीजर, तो हेट्रोजीनियस वैल्यूज है तो उसे हम एक साथ नहीं रख सकते, यदि उन्हें एक साथ रखना है तो दोनों में से एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम किसे चेंज करते हैं, हम हमेशा इंटीजर वैल्यू को चेंज करते हैं और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो रिजल्ट वेरिएबल, जो इंटीजर वेरिएबल है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इंटीजर वेरिएबल है, ये इंटीजर वेरिएबल में तो वैल्यू है 33 है वैल्यू, उस 33 वैल्यू की एक्चुअली कैसी है, नंबर है, वो एक इंटीग्रल वैल्यू है, उस वैल्यू को हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी लेकिन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको आउटपुट सेम आएगा, आपको आउटपुट केवल 33 आएगा, लेकिन आप इंटरनली सिस्टम के लिए ये क्या बनेगी, स्ट्रिंग बनेगी इंस्टेड ऑफ इंटीग्रल वैल्यू और इंटीजर वैल्यू। और ये करने के लिए हमें ऑपरेटर लगता है, उसका नाम है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो ये एडिशन ऑपरेटर ये सिंबल है, प्लस सिंबल है, ये प्लस सिंबल दो तरीके से यूज किया जाता है। जब ये प्लस सिंबल मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज करते हैं तो एडिशन की तरह बिहेव करता है, मतलब ऐड करता है दो चीजों को, लेकिन यही सिंबल जब हम कोई मैसेज में यूज कर रहे हैं, मतलब प्रिंटलन स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं, तो यही सिंबल प्लस सिंबल कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। तो आपने C++ में कहीं पढ़ा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या, कोई भी एक सिंबल है, नोटेशन है, उस नोटेशन को दो तरीके से मापा जाता है, दो मीनिंग रहते हैं उसके, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वैसे ही जावा में है ये सिंबल, जो प्लस सिंबल है उस सिंबल की दो यूज है, दो मीनिंग है। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो एडिशन है उसका मीनिंग, लेकिन जब हमें प्रिंटलन स्टेटमेंट में यूज करना है तो उसका मीनिंग है कॉन्केटिनेशन। और कॉन्केटिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों में से कोई एक का डेटा टाइप हमें कन्वर्ट करना है और हमें जो भी स्ट्रिंग के अलावा डेटा टाइप रहता है, तो इस केस में रिजल्ट है जो इंटीग्रल डेटा टाइप है, तो उसे कन्वर्ट करके हमें स्ट्रिंग में रखना है और बाद में प्रिंट करना है। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। बहुत लोगों को पता नहीं होता है क्या होता है यूज कॉन्केटिनेशन का, तो आपको क्लियर कट ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम इसे सेव करेंगे, आपको पता है सेव करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सेव करने के लिए हम क्लास नेम यूज करते हैं, क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी आइडेंटिकल सेव करते समय। तो क्लास नेम देंगे example1, मैंने कॉपी किया और बाद में जावा उसका एक्सटेंशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जिसमें हमें सेट पाथ करना है, बाद में जावा सी कमांड से हमें कंपाइलेशन करना है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में उसे देखेंगे। थैंक यू ऑल।